प्रिज्म पर एक और न्यूमेरिकल बता दें। यहाँ ये एनसीईआरटी बुक से लिया मैंने कि एक ए बी सी प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। मैंने बता रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहते हैं, एंड रेफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी है और इस पर एक रे इंसिडेंट होती है, एक रे इंसिडेंट होती है और फिर एन एन डैश डायरेक्शन में रेफ्रैक्ट हो जाती है, लेकिन एमर्जेंट नहीं होती, एमर्ज नहीं होती है। एमर्जेंट रे जो है वो एसी के पैरेलल ऐसे चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर एमर्जेंट रे रेफ्रैक्टिंग सरफेस एसी के पैरेलल जाए, इट मींस, ध्यान रखिएगा बताने जा रहे हैं, आई टू जो है 90 है। आई टू क्या है? 90। और जब आई टू 90 है तो जो आर टू होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। ये जो आर टू होगा वो क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ लिया करो, क्योंकि प्रिज्म में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि जब, और ये भी सवाल आ सकता है कि द रे विल नॉट इमर्ज। अगर ये कह दें रे विल नॉट इमर्ज तो इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, मिल जाता है ये क्रिटिकल एंगल है। तो एट पॉइंट एन डैश एन इक्वल टू साइन 90 अपॉन साइन आर टू, आर टू क्या है? क्रिटिकल एंगल। तो साइन 90 अपॉन साइन आर टू, ये ए एन जी है, एयर टू ग्लास रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता, और वो 1.52 और दिया है। तो साइन आर टू इजकल टू 1 अपॉन 1.524, जिसकी वैल्यू होती 0.6521, और ये 41 डिग्री एंगल का साइन होता है। तो इसका मतलब हमारा आर टू 41 आ गया। आर टू की वैल्यू कितना होगा? 41। ये देखिए आर टू इजकल टू 41। ये बात आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी के बुक में ये कैलकुलेशन वाले सवाल ज़्यादा होते हैं, जिसमें हम टेबल देख कर एंगल निकालें। 41 एंगल, कुछ टीचर हैं जो 30, 45 और 60 वगैरह के एंगल से क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का जब हम सवाल लगाने लगते हैं तो उसमें 41, 19 कुछ इस टाइप के कोई एंगल आते हैं। अब उनका टेबल से देख करके हम साइन निकालेंगे। खैर दिया है तो निकालना ही पड़ेगा। तो आर टू इजकल टू 41 आया। अब फार्मूला आपका क्या है? आर वन प्लस आर टू इजकल टू, ये कहाँ है आर वन? ये है आर वन और ये है आर टू और ये ए के बराबर है, यानी रेफ्रैक्टिंग एंगल के। तो आर टू की जगह 41 लिख दो तो आर वन आएगा 19 डिग्री। अब फिर 19 आ गया, 60 माइनस 41 19। अब यहाँ एंड पॉइंट पर आ जाओ, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इक्वल टू एन होता है, और एन की वैल्यू 1.524 दिया है, दैट इक्वल टू साइन आई वन अपॉन साइन 19। तो साइन आई वन निकलेगा 1.524 इंटू साइन 19। अब ये जो साइन 19 की वैल्यू देखो, ये दिया है साइन 19 की वैल्यू भी तो आपको मिलनी चाहिए, ये दिया हुआ है 1.524 और इंटू पॉइंट साइन 19 की वैल्यू टेबल में देखना, तो साइन 19 0.3256, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.4962। अब ये देखो ये किस एंगल का साइन है, या तो आई वन इक्वल टू साइन इनवर्स करके लिख दो आंसर, नहीं ये एंगल देखो, ये जो साइन दिया है ये किस एंगल का है, तो उसमें आएगा 29 डिग्री 45 मिनट। तो जो आई वन पूछा था वो आ गया,
तो ये एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा कैलकुलेशन वाले होते हैं, घबराना नहीं चाहिए। टेबल दिया जाता है, टेबल में देख देख करके निकालो, तरीका मैं बता रहा हूँ, ख़त्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब हम लोग आ जाएं, कहाँ आ जाएं? आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पर, इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे आ गए। ये देखिए, ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? हम लोग जानते हैं कि कॉशीज फार्मूला है, कॉशीज CAUSHIYS, कॉशीज फार्मूला, कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कॉशीज फार्मूला, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम n इक्वल टू a इज कांस्टेंट है प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये कॉशी का फार्मूला होता है, कहीं आगे हम लोग एक जगह देख लेंगे कहीं लिखा हुआ है ये। एन माने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू ए कांस्टेंट प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा माने वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था तो विजिबल रीजन पढ़ाया था, विजिबल में वायलेट से लेकर रेड तक। वायलेट की वेवलेंथ बताई थी 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड की 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी वायलेट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट की कम है। यह समझ लो हम क्या बताने जा रहे हैं। कॉशीज फार्मूले में n इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, CAUSHIYS कॉशीज फार्मूला, कॉशीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने फार्मूला बताया, प्रैक्टिकल बेस पर निकाला था। तो a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर इन्होंने फार्मूला बताया, तो लैम्डा कम तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। इस फार्मूले से हमको क्या पता चला कि लैम्डा अगर कम है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लैम्डा लेस एंड मोर ये ज़्यादा होगा। तो वायलेट कलर का लैम्डा 4000 है और ये 7000 रेड का है, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। रेड कलर के लिए, रेड कलर जब मीडियम से गुजरेगा तो उसकी वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वायलेट का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वायलेट का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम है तो इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है NB। इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का हम लोग क्या लिखेंगे? NB। और रेड क्या क्या लिखेंगे? NR। और हम लोग क्या रिलेशन समझेंगे? NB इज ग्रेटर देन जो 7 कलर्स होते हैं वे जियोर, ठीक है? तो इस कॉर्नर में रेड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और इसका ज़्यादा होगा, ठीक। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन कई बार बता चुके हैं कि प्रिज्म पर लाइट की रे पड़ती है तो अगर प्रिज्म न होता तो अपने रास्ते पर सीधे जाती, इस तरीके से प्रिज्म ये लाइट की रे ऐसे सीधे जाती, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये लाइट की रे डेविएट होता, दो बार मुड़ती है। देखिए, एक तो यहीं से डेविएशन शुरू हुआ, उसके बाद एयर में जाने पर फिर यहाँ बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कहीं कहीं ये नहीं लोग दिखाते हैं, सवाल में आ जाता है ये एक नंबर में कि इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पर बेंडिंग नहीं दिखाते हो, यहाँ पर बेंडिंग ज़रूर दिखाओ यहाँ पर बेंडिंग ज़रूर दिखाना चाहिए।
तो इसमें ये देखा गया कि डिफरेंट कलर्स का जो एंगल ऑफ डिविशन है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिविशन के लिए हमारा फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। हमारा फार्मूला क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। तो एन जिसका ज़्यादा होगा उसका डेल्टा ज़्यादा होगा, एन किसका ज़्यादा होगा? जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो वायलेट की वेवलेंथ कम है तो डेल्टा वायलेट का ज़्यादा होगा, तो डेल्टा वी ज़्यादा होगा और डेल्टा आर कम होगा। यानी इसका वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होगा, ये लिखा है डेल्टा वी ज़्यादा है, ये दिख रहा है ज़्यादा, और रेड का डेविएशन कम होगा, ये डेल्टा आर। और बीच में उसी हिसाब से डेविएशंस होंगे हर एक कलर के लिए, इसमें मीन कलर माना जाता है येलो। तो एक्सट्रीम कलर्स के जो रेज हैं उनके डेविएशन, जैसे वायलेट का डेविएशन डेल्टा भी, एक्सट्रीम कलर में यहाँ रेड है, ये विजिबल में है तो इसका है डेल्टा आर। तो जितने एंगल्स है वायलेट और रेड यानी एक्सट्रीम कलर्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, और रेज का अलग हो जाना स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। प्रिज्म क्या करता है? डिफरेंट कलर्स को स्प्लिट पाने अलग कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट इज डिस्पर्स, देखो ये है, ये रेड है और ये वायलेट है, तो इतना एंगल एंगुलर डिस्पर्शन है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंगुलर डिस्पर्शन कितना होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंगुलर डिस्पर्शन होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंगुलर डिस्पर्शन होता है। ठीक, तो एंगुलर डेविएशन और मीन कलर जो वाई है उसका डेविएशन होता है डेल्टा वाई। तो प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर है यानी उसके अंदर वो पावर जिससे कि वो रेज को डिस्पर्स कर देता है अलग अलग, प्रिज्म से लाइट डालो प्रिज्म पर और दीवार पर देखो डिफरेंट कलर दिखेंगे, एक तरफ वायलेट दूसरा रेड, जैसे रेनबो वर्षा के दिनों में रेनबो दिखता है डिफरेंट कलर, ऐसे ही प्रिज्म से भी दिखता है। तो ये डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन लाइट अलग अलग हो जाए वी आर है, मिलिट्री में यही सिखाया जाता है, जब जो लड़के मिलिट्री की ट्रेनिंग करते हैं उनको कहते हैं परेड डिस्पर्स, जैसे कहें परेड डिस्पर्स, सब लड़के अपना वहाँ से निकलकर डिफरेंट डायरेक्शन में चल देंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पहले लाइन में खड़े होते हैं और फिर लाइन में एक लाइन से आ रहे थे, अब लाइट डिस्पर्स रेड अलग वायलेट अलग येलो अलग, यही वायलेट के बाद इंडिगो आ जाएगा, इंडिगो के बाद ब्लू आएगा, ब्लू के बाद ग्रीन आएगा, ग्रीन के बाद येलो आएगा, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड, इस तरीके से ये सेवन कलर्स। तो कहते हैं वहाँ यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, जितने वेवलेंथ उतने ही कलर, क्योंकि यहाँ वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, एन वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये इससे एक्सप्लेन कर दो कि वाई लाइट इज डिस्पर्स, मैंने अलग अलग क्यों हो गए। डिस्पर्स का मतलब सिर्फ मीनिंग यही समझो कि डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइट दे आर सेपरेटेड बीच अदर, और एंगुलर सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। और प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर है वो रेशियो है, किस चीज का रेशियो बोलिए, किस चीज का रेशियो? द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ
एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ये एंगुलर डिस्पर्शन है और मीन डेविएशन डेल्टा वाई है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का रेशियो। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, एंगुलर डिस्पर्शन कितना होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और मीन डेविएशन कितना हो डेल्टा वाई। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, यह ओमेगा से डिनोट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर ये कांस्टेंट होता है, डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होता है। क्राउन ग्लास का अलग होगा, फ्लिंट ग्लास का अलग होगा। क्राउन इसमें एक का ज़्यादा एक का कम, देख लीजिएगा न्यूमेरिकल में कि किसका ज़्यादा किसका कम होता है। और अगर हम डेल्टा बी को लिखेंगे एन बी माइनस वन इंटू ए, और एन आर को लिखेंगे एन आर माइनस वन इंटू ए, यहाँ नहीं लिखा है तो लिख के बताना पड़ेगा कैसे होता है ये। तो ओमेगा इज इक्वल टू एन बी माइनस वन इंटू ए, और एन आर होगा एन आर माइनस वन, ये होगा डेल्टा आर, और एन वाई कितना होगा, एन वाई होगा आपका एन वाई डेल्टा वाई होगा एन वाई माइनस वन इंटू ए। फिर से सुन लो, कभी कभी कोई एन के फॉर्म में कह जाते हैं एन बी माइनस वन इंटू ए, ये है डेल्टा वी, और एन आर माइनस वन इंटू ए, ये है डेल्टा आर, और एन वाई माइनस वन, एन वाई माइनस वन इंटू ए, ये डेल्टा वाई है। तो एक कॉमन हो के कैंसिल हो जाएगा, वन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन, तो ओमेगा निकल आएगा। अब प्रॉब्लम एक सवाल में पड़ गई, अब परेशान हो गए लड़के, उन्होंने कहा एन बी दे दिया न्यूमेरिकल में, एन आर दे दिया, और कहा ओमेगा निकालो। अब लड़के पूछने आया कि एन वाई तो दिया नहीं है, कैसे निकालें। तो उनको ये बताया गया कि चूंकि ये मीन रे है तो क्यों नहीं ऐसे कर लेते हो, एन बी और प्लस एन आर को बाई टू कर दो, तो ये एन वाई आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि एन वाई दे ही, नहीं देते हैं कोई बात नहीं, तो एन बी क्या करोगे, एन बी प्लस एन आर और अपान टू कर दो, या दिखा है एन बी प्लस एन आर बाई टू कर दो, तो एन वाई निकल आएगा। ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल में एन वाई दे ही, उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये है फिजिक्स, इसमें बहुत अप्रॉक्सीमेशन होता है, कहीं ज़रूरत पड़ा तो एन बी और एन आर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे, एक जगह कहीं किसी फोकल लेंथ में कहीं किया है, वो होता है ज्योमेट्रिकल मीन, और ये कौन सा है अर्थमेटिक मीन। जिस मीन से हमारा मैथमेटिक्स बन जाए, फार्मूला बन जाए अच्छा, वही मीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो अर्थमेटिक मीन से आपका आसानी से आ जाएगा एन बी प्लस एन आर बाई टू, तो इसका जो न्यूमेरिकल होगा सिंपल से, तो वह आप आसानी से लगा लेंगे। ओके।